अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके स्कूल का नाम मॉडल लैंग्वेज स्कूल एंड कॉलेज है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईमान जफर है। क्या हम आपके स्कूल को विजिट कर सकते हैं? जी ज़रूर, क्योंकि मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तो आज अपने स्कूल को मुतारिफ कराने का मौका मिला। आगे बढ़ते हैं आपके स्कूल की तरफ, क्या आप हमें स्कूल का इंट्रोडक्शन देते रहे? मॉडल लैंग्वेज स्कूल वैसे तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हर साल देता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और साथ जो है वो हम लोग पेपर्स, उसकी वजह से हमारी जितनी मेहनत होती है और हम आप देख सकते हैं कि रंग लाती है। कितने अरसे से यहाँ पढ़ रही हैं? सर मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ। 5 साल से पढ़ रही हूँ जी। मुझे मॉडल लैंग्वेज स्कूल एंड कॉलेज की सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि टीचर्स और स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं। एक अच्छी टीचर की खूबी ये होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करें, जो उसे समझ में नहीं आता बार बार उसे समझाएं। इस वक्त हम स्कूल की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और अब हम सर के ऑफिस में जाएंगे। जरूर आइए। मैं कमिंग सर। अच्छा तो ये क्लास कौन सी है? दिस इज क्लास 10th ए। क्लास 10th ए। और यहाँ बता सकते हैं स्ट्रेंथ के हवाले से आप? यहाँ पर स्ट्रेंथ 14 है और माशाल्लाह बहुत लाइक बच्चे हैं। बहुत लाइक बच्चे जी। लाइक बच्चों आपकी अगर आप स्कूल की प्रिंसिपल बना दिया जाए आपको तो क्या जी आपने कही? यहाँ पर मेरे ख्याल में तो जिस तरह इंस्टीट्यूशन का निज़ाम चल रहा है दैट इज़ ग्रेट। तो किसी किस्म की तब्दीली होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ाई के हवाले से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कमिंग मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मीडिया टीम विजिट करने आई है स्कूल। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी से रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी से रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवा पहला। तालियां हो गए नरगिस की। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज से याद आया कि क्या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स भी होते हैं या आपके खुद का गुजारा होता है? जी ज़रूर, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि साइंस एग्जिबिशन, उसके अलावा साइंस एग्जिबिशन, स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि रोबोटिक्स और मेंटल मैथ्स में भी हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पार्टिसिपेट किया और विन भी किया। ये ज़रूर यहाँ पे लिखा हुआ है आवर गोल्स। यहाँ पर वैसे ओवरऑल लाइब्रेरी हमारी जो होती है वहाँ पर हर किस्म के इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, बेहतरीन लिटरेचर, जनरल नॉलेज के हवाले से हम बच्चों को बुक्स इशू की जाती हैं और उन बुक्स पर बच्चों से रिव्यू लिया जाता है। तो ये हमारे वो हुनर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे आला मुजाहरा किया। यहाँ पर हम लोग अभी साइंस लैब में एंटर होंगे। दिस इज साइंस लैब। जैसे साइंस लैब यहाँ पर हमारे पास तमाम एक्सपेरिमेंट के ज़रूरी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और टीचर्स बहुत मेहनत से हमें प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। ज़रूर हम इनवॉइसेस के साथ मिलना चाहेंगे और उनको उनसे मुलाकात अगर हमारी हो जाए। ये कौन सी क्लास है भाई? दिस इज 10th बी। 10th क्लास। और हमारे साथ मौजूद हैं टीचर सर सर रशीद सर। सर ये 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं इस वक्त? 10th क्लास का इस टाइम प्रैक्टिकल हो रहा है और साथ वाइवा वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। हिमांश सर हम अगली अब हम कंप्यूटर लैब में चलेंगे। जी ज़रूर, यहाँ पे कंप्यूटर्स भी हैं और चलती भी हैं और हमारे स्टूडेंट्स को मॉडर्न और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही है। दिस इज़ लाइब्रेरी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास बेहतरीन लिटरेचर और इस्लामिक हिस्ट्री और जनरल नॉलेज के वाले से बुक्स जो है बच्चों को इशू किए जाती हैं और उन्हें जो है वो उनसे फिर उन बुक्स पर रिव्यू भी लिया जाता है। कौमी सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है और नहीं खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं गिरा पहाड़ है तो हिफ्ज़े खुदी से है
اسٹوڈنٹ ہیں جی, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے خیال میں پاکستان کی ترقی میں آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ کام کام اور کام. ایجوکیشن اگر جتنی زیادہ لی جائے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا آج کل دور ہے, جتنی زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ توجہ دی جائے اتنی زیادہ اچھا ہوگا, اور اسی سے ہی ہم اپنے پاکستان کا مستقبل اچھا کر سکتے ہیں. ایمان ظفر, جاتے جاتے کوئی الوداعی شعر اپنے اسکول کے نام؟ الوداعی شعر تو نہیں کہوں گی, لیکن اپنے ٹیچرس کو تھینک یو ضرور بولوں گی جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی محنت کی کہ آج ہم لوگ جو ہیں وہ فیڈرل بورڈ میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کے قابل بنے, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنے کے قابل بنے, اور ان کا نام روشن کرنے کے قابل. ماڈل لینگویج اسکول اور کالجز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اسکول کو اس قابل سمجھا کہ آپ وزٹ کریں اور ہمارے ٹیچرز اور ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لیں اور ان کا ٹیلنٹ دیکھیں. تھینک یو سو مچ.